शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो पहले तो वो हम दोनों को मार डालेंगे, फिर तुम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। उस दिन बिजली ने रामा के हाथों मंगलसूत्र भिजवाया था, उसी दिन मैं समझ गई थी कि रामा कितना भोला है, उसे मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए राजी कैसे किया? दीदी, लगता है वो लोग आ गए। नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हमने। जानना चाहोगी तेरा वर कैसा है? सुरेंद्र, ले आओ उसे। बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है नंदिनी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे आप यहां हैं? जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं, इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो खेतों में कौओं को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह, यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती है। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिसे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहाँ मैं क्यों जाऊँ? मुझे यहाँ क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूँ। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा, वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसने उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं, मुझे जाने दो। रामा, रामा, रुक जा, रुक जा, मेरी बात सुनते ना रामा, रुक जा रामा, रामा। माँ, 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 माँ। क्या बात है माँ? सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या शादी कैसे होती है? हाँ, तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा?
मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे की बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं। अब क्या होगा माँ? नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ, हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था, नंदिनी ने अभी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, 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 रमा, रमा, नंदिनी ने ये जानबूझकर किया है, ये अनजाने में। इल्जाम सिर्फ तेरे ऊपर आने वाला है। तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो मैं जाके निकाल लूं उसके गले से मंगलसूत्र। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तू वहां जाएगा तो वापस जिंदा नहीं आएगा, वो लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। क्या कहती हो माँ, मेरे टुकड़े क्यों करेंगे? नंदिनी नहीं कहा था ऐसा करने के लिए? रामा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ठहर यहां। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर काम मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ। हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं ना कहूं तू शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ, तू ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे? कुछ नहीं होगा मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहां से। अरे रामा, इधर आ। ए, तुझे ही बुला रहा हूं। भैया बुला रहे, चलो। अबे चलो, चल। क्यों रे, इतनी रात गए, थैला लटकाए कहां घूम रहा है? मां बोली आप लोगों के लौटने से पहले मैं गांव छोड़कर। क्या? कुछ नहीं। चल गाड़ी में बैठ। क्यों भाई राजा? कहा ना बैठ। अरे चल, चुपचाप बैठ, बैठ। अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो पहले तो वो हम दोनों को मार डालेंगे, फिर तुम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। उस दिन बिजली ने रामा के हाथों मंगलसूत्र भिजवाया था, उसी दिन मैं समझ गई थी कि रामा कितना भोला है, उसे मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए राजी कैसे किया? दीदी, लगता है वो लोग आ गए।
नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हमने। जानना चाहोगी तेरा वर कैसा है? सुरेंद्र, ले आओ उसे। बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है नंदिनी। लड़का कैसा है ये मैंने अपने शब्दों में रामा को बता दिया। अब रामा तुम लोगों को वही गा के बताएगा। अरे गाओ रामा। बहन की तरफ देखे भी तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज आपकी बहन ने तो उसे गले लगाकर चूम भी लिया। अब आप क्या करेंगे? उसका काट कर नहर में फेंक देंगे? ये सब आपकी पाबंदियों का नतीजा है, सब आपका कसूर है। भी हो तो भी पिंजरा ही होता है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन आपको दुख न पहुंचे इसीलिए मैंने मन मार लिया। ऐसी हालत में जब मेरी तरफ आंख उठाकर देखने के भी किसी मर्द में हिम्मत न थी, रामा पहला मर्द था जो मुझसे निडर होकर बात करता था। आप तीनों भाइयों के बाद मेरी फिक्र करने वाला अगर कोई था तो रामा था, जिसने मुझे पहली बार छुआ और मेरे माथे पर कुमकुम लगाया, वो रामा था। अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने मेरी जान बचाई, वो रामा था। उसके मन में कोई झूठ कपट कुछ नहीं है भैया, मेरी नजरों में वो महान है। इसलिए मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है ज्ञान पढ़। इसलिए मैंने फैसला किया कि रामा ही मेरा पति होगा, तो मैंने उससे ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवाया। रामा मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ है भैया। अगर आप लोगों ने उससे कुछ किया तो याद रखिए। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो तू अपनी जान दे देगी, यही ना? आज तक मैं सोचता था रामा बुद्धू है, ना लायक है, ना समझ है। मैं गलत सोचता था, रामा महान है, महान। अरे जिस आदमी ने चंद दिनों में
हमारा 16 बरस का प्यार तेरे दिल से भुला दिया वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जन्म देने वाले माँ बाप, पाल पोस कर बड़ा करने वाले भाई, उसके सामने कुछ नहीं। नंदिनी, बचपन से लेकर आज तक तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुझे रामा चाहिए ना, ठीक है? हम लोगों से डरकर शायद वो कहीं छुप गया होगा, हम उसे ढूंढ लाएंगे और धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसे क्या देख रही है नंदिनी? तू क्या समझ रही है मैं नहीं जानता कि तेरी शादी हो गई? लेकिन जिस आदमी को मंगलसूत्र और बैल के नकेल के बीच का फर्क नहीं मालूम उससे मंगलसूत्र पहनवा लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा, जैसे भाई राजा की बहन राजनंदिनी की शादी होनी चाहिए, जैसे कि आज तक आसपास के 100 गांव में किसी की शादी नहीं हुई होगी। असली शादी तो तेरी वही होगी बेटा। के चैन से सोचा जा, जा। भैया पागल हो गए हो क्या? हमारी बहन को उस रामा के पल्ले बांधोगे? आज तक आपके फैसले का हुक्म मानते रहे लेकिन यह हमें मंजूर नहीं। तो फिर जाओ, जाकर अपने हाथों से गला घोट दो उसका। तो मारने के लिए किसी चाकू या पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मंगलसूत्र उसके गले से छीन लो, वो खुद बहुत मर जाएगी। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह जज्बाती हो जाऊं तो फिर क्या होगा? 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में लड़की पैदा हुई है। हमारी राजनंदिनी कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है, जल्दबाजी में हमारे हाथों से छूट गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जो उसकी शादी हुई थी वो शादी नहीं थी, गुड़ियों का ब्याह था। और बच्चों को वही शादी असली शादी लगती है। मना करो तो तूफान उठा लेते हैं। हमारी बहन की भी वही हालत है, इसलिए उसका मंगलसूत्र हमें नहीं छीनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से उतार दे। रामा जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो और खत्म कर दो। और हम नंदिनी को यकीन दिला देंगे कि अपने गुनाहों की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पति की मौत के बाद पत्नी के गले में मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये वो भी अच्छी तरह जानती है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है साल भर के लिए वो रोएगी, शोक मनाएगी, हम भी उसके साथ शोक का नाटक करेंगे और उसके बाद उसे समझा बुझाकर उसकी शादी करवा देंगे। सुनो, इस बात का नंदिनी को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चल गया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। समदन जी नमस्कार। अरे इतना घबरा क्यों रही हैं आप? अच्छा, समदन बुलाया इसलिए? रिवाज के मुताबिक साला होने के नाते दूल्हे की माँ को समदन बुलाने का रिश्ता तो नहीं बनता, लेकिन क्या करूं, राजनंदिनी को मैंने बेटी की तरह पाला है, इसलिए गुस्ताखी की मैंने। मेरे लड़के ने कसूर क्या है मैं मानती हूँ, उसे जो सजा देना चाहते हैं वो आप मुझे दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए, आप अब मेरी जान ले लीजिए। हम भी यही सोच रहे थे सावित्री, लेकिन अड़चन यह है कि सास के मरने से बहू के गले का मंगलसूत्र नहीं उतरेगा। रामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो सावित्री,
ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर फिर भी तुमने रामा का पता नहीं बताया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। नंदिनी देख देख इसमें क्या है। सिर्फ यही नहीं नंदिनी, आज रात टीवी पर भी रामा के बारे में सूचना आएगी। रामा के मिलते ही बड़ी शान से तेरी शादी करवा देना, हमारी जिम्मेदारी है। अरे बोलो भाई। हाँ नंदिनी। फिक्र मत करो, खुश रहो, चलो। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोतरी और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे। क्या हो गया, क्या हो गया? बलवान की बीवी बन गई। मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो जिंदा है। चल भैया, कल वो बलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई, मैं उसके घर चला गया तो बेचारा रो रहा था, मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई, क्या होगा? मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना